First Indian camper by Dhruv, 1989 model Matador है ये, तमिलनाडु की, और ध्रुव ने इसे भारत की पहली कैंपर वैन बनाया है। पूरा घर है इसमें जो कैंपर वैन की, जिसका नंबर है TAK0425। और ध्रुव सबकी हेल्प भी करते हैं, पूरी कम्युनिटी की जो भी कैंपिंग के लिए आगे आना चाहते हैं, ध्रुव आइडियल है, ध्रुव गाइड है यंगस्टर्स के लिए, और इनका चैनल इसीलिए पॉपुलर है। वाह जी वाह, ये लीजिए जी, वेलकम होम। इंडियाज फर्स्ट कैंपर वैन, सभी जानते हैं इस वैन को, जितने भी ट्रैवलर हैं उन सब का लिए एक ड्रीम है ध्रुव से मिलना। ध्रुव जिसने इंडिया की पहली कैंपर वैन बनाई, ये नंबर है TAK0425, मद्रास का नंबर है, तमिलनाडु का, और ये कौन सा मॉडल है ये भी हम ध्रुव से ही पूछेंगे। तो एक बार पहले मैं इसके चारों तरफ से आपको लुक दिखा दूं, क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी, वो ध्रुव के मुंह से ही सुनेंगे। ये देखिए क्या हाल है सर, क्या बहुत बढ़िया ध्रुव जी, हमारे अमीर खाने में आपका स्वागत है। क्या कितना बढ़िया बात बोली, सब बोलते हैं हमारे गरीब खाने में स्वागत है, और ध्रुव का कहना है हमारे अमीर खाने में स्वागत है। इसे कहते हैं पॉजिटिविटी, सचमुच में ये अमीर खाना है, चलता फिरता घर हो जिसके पास। और भारत का पहला कैंपर वैन जिसने बनाई हो, ध्रुव जिसके पूरे देश में लाखों चाहने वाले हैं। मैं कहीं भी बात करता हूं, आज मैंने सुबह किसी से बोला कि मैं एक कैंप में हूं और मेरे साथ ध्रुव है, इतना कहना था, कह रहे आप तो बहुत अच्छे लोगों के साथ बैठे हुए। और इस समय
ध्रुव से आज हम बातचीत करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा वैन के बारे में बता दूं। ध्रुव, ये कब आइडिया आया आपके पास? सर, ये मैंने प्लान किया था 2015 में, और मुझे चाहिए था VW वाली वैन, जो VW की कॉम्बी आती है, कॉम्बी या बे, पर वो मिल नहीं पाई। एक मिली भी थी, उसके पेपर्स थोड़े इधर उधर थे, तो लास्ट मेरे पास रिजॉर्ट बचा इस मैटाडोर को लेने का। और मैं बहुत श्योर था कि मुझे फोर्स ट्रैवलर नहीं लेना, मुझे कोई ऐसी गाड़ी चाहिए जो दिखने से दूर से सुंदर लगे, मतलब मैं जब भी उसको देखूं मेरे मुंह पे स्माइल आ जाए। क्या बात। तो ये गाड़ी मुझे मिली 2017 में, इसको मैंने बिल्ड करना स्टार्ट किया, खुद ही बिल्ड किया, तो लगभग 3 साल लग गए इसको बिल्ड होते होते। और जब फाइनली ये बिल्ड होके तैयार हुई, तो ये फाइनल रिजल्ट है। मतलब इसके अंदर मेरे पास लगभग सारी सुख सुविधाएं हैं जो घर के अंदर होती है, तो ऐसा नहीं लगता कि मैं घर में नहीं हूँ। इसीलिए मैंने बोला ये मेरा अमीर खाना है। क्या बात है। क्या क्या सुविधाएं हैं घर वाले इसमें? अब आप देख रहे हैं, जैसे मैं घर पे अपने वर्क स्टेशन पे बैठ के एडिटिंग करता हूँ, तो यहाँ पे भी मैं सिमिलर तरीके से बैठ के एडिटिंग कर लेता हूँ। सोने के, ये मेरा सोफा है, यहाँ बैठ के हम लोग खा भी लेते हैं, पी भी लेते हैं। ये मेरा सोफा है जिसपे मैं बैठा हूँ, और ये रात को बेड बन जाता है। इसके ऊपर एक और बेड है, अगर मेरे पास एक्स्ट्रा लोग हैं तो ये एक और बेड बन जाता है। साथ में मेरे पास काफ़ी सारी स्टोरेज है, ऊपर भी है, नीचे भी काफ़ी स्टोरेज है। पानी के लिए मेरे पास ओवरहेड में टैंक लगा हुआ है, वो मैं आपको बाहर से दिखाऊंगा। फिलहाल ये अपना छोटा सा किचन है, अभी थोड़ा सा मेस्ड अप है, इसमें हम थोड़ी देर सफाई करेंगे और फिर आपको ये दिखाई देगा। ये अपने कैबिनेट्स हैं कुछ, जहाँ पे सारा का सारा स्टोरेज होता है। एक फ्रिज आ जाता है यहाँ पे छोटा सा। इस तरफ मेरे सारे बर्तन और सिलेंडर वगैरह हैं। ऊपर मेरे पास गैस है, सिंक है, तो एक एग्जॉस्ट लगा हुआ है। लगभग जो जो आप घर में देखते हैं वो सब कुछ इसमें ऑलरेडी है। एक ये गीजर आप देख सकते हैं, आजकल सर्दियां हैं तो ये केवल सर्दियों का मेहमान है। इसको कभी भी मुझे अगर हॉट वाटर शावर लेना होगा तो ये गीजर से मैं हॉट वाटर शावर ले सकता हूँ इजीली। और बस बाकी तो इसके अलावा बहुत बढ़िया आइडिया। और आप गाइड भी करते हैं किसी को भी, कैंपर वैन या कोई भी गाड़ी बनानी हो उसके लिए आप पूरी तरह से गाइड करते हैं? आप सचमुच में उनके मेंटर हैं, गाइड हैं, और ये प्रभु ने आपको एक मौका दिया है, मौका दिया है काम करने का, सेवा करने का। और मुझे लगता है पहले तो आप बिजनेसमैन थे, और उत्तराखंड के रहने वाले हैं, और ये इतना अद्भुत काम कर रहे हैं सच में। ये अपने लिए तो सब कोई करता है, लेकिन मनुष्य, मैं उसी को मनुष्य मानता हूँ जो दूसरों के लिए कुछ करे। नहीं सर, इसमें ना मेरा स्वार्थ है, ये जो मैं कर रहा हूँ स्वार्थ ये है कि जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी थी, एक्चुअल में जर्नी मैंने 2014-15 में स्टार्ट करी थी, जब मैंने अपनी एक गाड़ी की पीछे की सीट हटा के उसमें बेड बिल्ड किया था। फिर मुझे लगा थोड़ा और स्पेस चाहिए, मतलब उसमें मेरा गुजारा नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने धीरे धीरे इस वैन को बिल्ड स्टार्ट किया। जब मैंने ये वैन बिल्ड करनी स्टार्ट करी तो मेरे पास ना रिसोर्सेज बहुत कम थे। हिंदुस्तान में उस समय कोई भी कैरावैन नहीं बिल्ड कर रहा था जिसको मैं जानता हूँ पर्सनली। तो मेरे सारे के सारे दोस्त बने फिरंग, जो ऑलरेडी अपनी गाड़ियों में रह रहे थे, जो ऑलरेडी बिल्ड कर रहे थे, और मेरी एक डिसेंट कम्युनिटी बन गई। उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी। अब वो इसलिए हुआ क्योंकि मेरा सारा बिजनेस और मेरे सारा का सारा जो करियर था वो US में था, तो मैं इन लोगों के साथ ईजिली कनेक्ट हो पाया, प्लस कुछ कम्युनिटीज़ में इन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प करी। जब फाइनली मेरी ये गाड़ी बिल्ड हुई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई बाकी भी लोग हैं जिनको बिल्ड करनी है। और मेरा देखो, अगर मैं आप लोगों के साथ आज बैठा हूँ, इसीलिए बैठा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी सारा सेटअप बना लिया है। अकेले करने में कोई फ़न नहीं है, कैरावैनिंग या वैन लाइफ अकेले जीने में ज़्यादा फ़न नहीं है, फ़न तो कम्युनिटी के साथ ही है। तो मैं चाहता हूँ कि एक कम्युनिटी बिल्ड हो, और उस कम्युनिटी को बिल्ड करने के लिए जितना मेरे तरफ से योगदान हो सकता है मैं वो योगदान कर रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आउटडोर आ सकें, ताकि हमारा ये जो कारवां है ये बढ़ता चला जाए। तो इसमें मेरा पर्सनल स्वार्थ है, मैं चाहता हूँ लोग आए, और वो तभी आएंगे जब वो अपनी गाड़ियाँ बिल्ड करेंगे, उनको कॉन्फिडेंस आएगा। बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने, किस तरह से बात को घुमाया है मैं कहूँगा। ये भी एक अच्छी इंसान की मतलब आदत होती है, दूसरों के लिए इतना करने के बाद भी कहते हैं कि इसमें मेरा स्वार्थ है, सेवा करना। और जब आप स्वयं उसको स्वार्थ के रूप में मानते हैं तो सचमुच में आप और अधिक महान हो जाते हैं, और अधिक लोगों को पसंद आने लगते हैं। ये ही मानवता है, यही मनुष्यता है। एक बार बाहर आके थोड़ा टैंक और उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दे। तो बाहर से तो ये रेगुलर जिस तरीके की गाड़ी होती है उसी तरीके की दिखती है। इस एरिया में आप एक बार दिखाइए जी, मेरा सारा पावर सोर्स है। इसके अंदर दो बैटरीज लगी हुई है, एक इन्वर्टर लगा हुआ है, और ये इन्वर्टर सोलर से चार्ज हो रहा है। अरे वाह। तो इस समय इसमें 350 वॉट का एक सोलर पैनल ऊपर लगा हुआ है।
इसके छत के ऊपर, छत के ऊपर 350 वाट का काफी बड़ा पैनल है, वो आगे से पीछे पूरा रूफ कवर कर रहा है, 350 वाट का पैनल है। इस तरफ अगर आप आएंगे तो ये वाला जो एरिया है ये एक वाटर टैंक है, ये करीबन 100 लीटर का वाटर टैंक है। और इस वाटर टैंक के दो फॉसेट है, एक तो वो जो सिंक पे मैंने आपको पहले दिखाया था जी, और एक ये वाला। तो ये दोनों, ये यहाँ से मेरे पानी आ जाता है और ये दोनों के दोनों पंप से चलते हैं। तो इसमें ऊपर चढ़ाने के लिए अलग पंप है, नीचे उतारने के लिए पानी का एक अलग पंप है, अलग पंप है। तो इसमें मतलब कोई डिफिकल्टी नहीं होती कि कभी पानी कम है ज्यादा है, ये वाली प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती। इस तरफ से आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एक मेरा ग्रे वाटर टैंक दिखाई देगा जी। इसमें सारा का सारा जो पानी है जो भी मैं सिंक में यूज करता हूँ वो यहाँ आके स्टोर हो जाता है बेसिकली, और इसको रिलीज करने के लिए मुझे केवल एक वॉल्व खोलना पड़ता है और पानी मेरा निकल जाता है। क्या बात है, ठीक है। अब इसके अलावा इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये एक छोटा सा चिमनी का होल है। हाँ। इसको मैंने इस तरीके से बिल्ड किया है कि केवल नीचे से अगर बारिश पड़े तो उसमें पानी अंदर ना जाए और सिर्फ नीचे नीचे से यहाँ से धुआं इजीली बाहर आता है, ठीक है। ये मेरा किचन है जो आपको दिखाई दे रहा है जी, जी, जी। इस तरफ मैंने अपना डिश वॉश और सोप वगैरह मैं रख लेता हूँ ताकि मैं यहीं से इसको इजीली खोल के एक्सेस कर सकूँ, मतलब मुझे अंदर जाने की जरूरत भी ना पड़े, और यहीं पर मेरा टैप भी आ जाता है। तो बाहर मोटा मोटा यही है। इस तरफ में एक आप देखेंगे, अगर यहाँ से आप देखें तो एक ये छोटा सा एक खांचा टाइप का बना है जी जी। इस खांचे में मैं क्या करता हूँ, अपनी मोटरसाइकिल लोड कर लेता हूँ। तो अगर मैं अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ तो मेरी एक मोटरसाइकिल इसके अंदर आ जाती है यहाँ पे। हाँ। इन दोनों पॉइंट में एक लैडर अटैच होती है, उस लैडर में मैं अपनी मोटरसाइकिल को चढ़ाता हूँ और वो अंदर इजीली फिट हो जाती है। इस खांचे में उसका टायर आ जाता है जो कि लॉक हो जाता है। तो इसको मैंने कुछ इस तरीके से बिल्ड किया है। ये स्टोरेज भी है यहाँ, ये स्टोरेज है। यहाँ मेरे कपड़े आ जाते हैं जी, उधर मेरी वाइफ के कपड़े आ जाते हैं, उधर हमारी बेडिंग्स आ जाती हैं। इस तरफ में मेरा एक, इस तरफ केवल गाड़ी का जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह हैं वो उनकी स्टोरेज है, ऑयल वगैरह, ऑयल हाँ जी, एक्स्ट्रा जो भी मैं रख सकता हूँ क्योंकि पुरानी गाड़ी है, आपको एक्स्ट्रा रखना ही पड़ता है। अगली वाली में मेरा कैंपिंग का सामान और गाड़ी की साफ सफाई का सामान, जैसे ये देखिए आप, ये हिट आ गया जी। और ये इस तरीके का आपका रूम फ्रेशनर वगैरह आ गया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। फिनाइल हो गया, कपड़े धोने का साबुन हो गया, ये सब कुछ इधर आ जाता है। एक बार कपड़े वाला दिखाइए, कपड़े धोने का ये है सर, नहीं कपड़े रखने का, जो कपड़े रखने के लिए मैंने एक्चुअली, मैं क्या करता हूँ, मेरे पास स्टैक्स है, मेरे पास चार मिनी सू से लिए हुए स्टैक्स हैं, जिनमें एक में मेरे टी शर्ट्स आते हैं, एक में मेरे अंडर गारमेंट्स वगैरह आ गए, टॉयलेटरीज आ गई, एक में मेरे जीन्स वगैरह आ गए और एक में मेरे बाकी का सामान आ गया। तो मतलब लगभग चार स्टैक्स हैं, वो स्टैक्स इसके अकॉर्डिंगली बिल्ड है। अभी तो फिलहाल मैंने शूज़ रखे हुए हैं। हाँ। तो यहाँ पे वो चार स्टैक्स आ जाती हैं, उन्हीं स्टैक्स को उठा के मैं अपनी गाड़ी में रख लेता हूँ अगर मुझे कहीं जाना होता है, उन्हीं को उठा के मैं अपने घर में वार्डरोब में रख लेता हूँ। तो लाइफ बड़ी इजी है, मतलब वो चार स्टैक्स में मेरी पूरी पूरी जिंदगी सीमित हो गई है। ओके। वो हर जगह जाते हैं, तो आज तो मैं जल्दीबाजी में आया हूँ, मैंने इसलिए रखा नहीं है। ठीक बात है, सिर्फ शूज पड़े हैं इसके अंदर। तो ये देखिए तरीके से स्टोरेज है, ऊपर दो ओवरहेड इंडियन कैंपर, और स्टोरेज आपने पूरी देखी, कितना बेस्ट यूज किया है इन्होंने जितना भी है। और ये इंडियाज ओवरलैंडर्स ग्रुप के भी मेंबर हैं, वी रोम विद आवर होम। हाँ। अच्छा ये क्या है जी, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, इसके बारे में बताइए। ये भी आपने एक लोगो लगाया हुआ है यहाँ। सर ये जो मेरी जर्नी होने वाली है, मैं ऑल ओवर इंडिया लगभग सारे स्टेट्स में इस गाड़ी के साथ ट्रैवल करने वाला हूँ जी। तो जो मेरी कोशिश है वो ये है कि हर स्टेट में हम लोग, तो मेरी ये कम्युनिटी है जिसका नाम है स्टोरीज ऑफ होप, जहाँ हम लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं। और मेरी कोशिश है कि पूरे हिंदुस्तान में अगर मैं कुछ जिंदगियां भी बचा पाऊँ, जो कि क्योंकि एक कच्ची उम्र में जो यूथ है वो कुछ ऐसे डिसीजन कई बार ले लेता है जो फैमिलीज़ को और उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो हाउ टू आइडेंटिफाई कि अगर आप किसी मेंटल हेल्थ के इशू से जूझ रहे हैं, क्योंकि दिखता कुछ नहीं है, अगर आपको चोट लगी, खून आया, आपको दिख गया चोट है, पर अगर आप डिप्रेस्ड हैं या अगर आप किसी चीज़ को लेके बहुत परेशान है, इस तरीके आप स्ट्रेस्ड हैं लाइफ में, तो वो दिखता नहीं है, वो सिर्फ महसूस किया जाता है। अब आपके आसपास के लोगों को किस तरीके से पता लगे कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो मेरी ये कोशिश है, मैं काफ़ी सारे वॉलंटियर्स के साथ मिलके कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान के हर कोने में जाके मेंटल हेल्थ के बारे में बात किया जाए, ताकि स्टिग्मा ख़त्म हो, क्योंकि मेंटल हेल्थ पागलपन नहीं है। सो पागलपन अलग होता है, मेंटल हेल्थ अलग चीज़ है। तो हाउ टू कीप योर मेंटल हेल्थ हेल्दी, बेसिकली यू नो, अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें शारीरिक तौर पे, दिमागी तौर पे,
वो मेरी एक कोशिश है, एक छोटा सा अटेम्प्ट है, और जहाँ जहाँ मैं चाहता हूँ एक दिन ऐसा आए कि जब जब लोग इस गाड़ी को देखें, उनकी ज़िंदगी में जो भी कष्ट चल रहे हैं, जो भी उनकी दुविधाएं चल रही हैं, वो उसको भूल के थोड़ी देर के लिए खुश हो पाएँ जब जब वो इस गाड़ी को देखें। तो इसलिए मैंने ये मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का एक छोटा सा